जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने करवाया महू नीमच हाईवे की स्थिति खराब होने के कारण टोल बंद। कुछ घंटे बाद ही प्रशासन के दबाव में आकर टोल अधिकारियों ने किया टोल को पुनः चालू। पीदमपुर घाट बिल्लोद फोरलेन मार्ग पर भारी बारिश होने के कारण सड़क खराब होने के कारण हादसों का सिलसिला बढ़ने की संभावना को देखते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताकर टोल प्लाजा पहुंचकर जब तक रोड सुधारा नहीं जाता तब तक टोल को फ्री करवा दिया गया, जिसके बाद टोल कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी कैबिन से बाहर हो गए व दिन भर टोल फ्री चलता रहा, जिसके बाद रात्रि में 9 बजे बगदून थाना प्रभारी ने चालू करवा दिया। बता दें कि महू नीमच हाईवे मार्ग की हालत दिन पर दिन जर्जर होती जा रही है, जिसके कारण यात्रियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बंद किया गया था, उसका वापस चालू किया गया, क्या कारण रहा? तो रोड के गड्ढे के कारण बंद करवाया था बाल मुकुंद, लेकिन जब प्रशासन का थोड़ा दबाव आया तो चालू कर दिया दोबारा। बाकी का गड्ढे तो हम भर ही रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जैसे वेंडर फाइनलाइज हो जाएगा तो पूरा काम शुरू हो जाएगा। सर रोड के मतलब हादसे बहुत हो रहे हैं और गंभीर स्थिति है सर सड़क पर, वो तो आपको सबको ही पता है, पूरी एमपी के सारे रोड्स में ही गड्ढे हैं ना बारिश की वजह से। अभी रेनी सीजन गया है, अभी पूरी तरह से नहीं गया, काम तो होना ही है, पूरा डामरीकरण तो होना ही है। सर कितने घंटे रोड बन रहा? रोड तो 1:40 पर बंद हुआ था, 9:40 पर चल रही है। नाम नाम